हेलो गाइस, टैली फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड की, जिसमें मैं आपको एमएस वर्ड के कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, एमएस एक्सेल की तरह एमएस वर्ड भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पावरफुल प्रोग्राम है, जिसे यूज़ करके आप किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि रिज्यूमे, न्यूज़लेटर, एप्लीकेशन या फिर नोट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप एमएस वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं और ये टूल्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एमएस वर्ड के यूजर इंटरफेस की। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस एरिया को बोलते हैं रिबन्स, और हर रिबन्स को कई टैब्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। और हर टैब को मैं आपको कई सारे टूल्स दिखाई देंगे। आप जो टूल यूज़ करना चाहते हैं, आपको उसे ढूंढने में आसानी हो, उसके लिए हर टूल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे लिखा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनमें कि इन टूल्स को डिवाइड किया हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसके टेक्स्ट को, उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि अपने टेक्स्ट को इंक्रीज उसको जो साइज है उसका इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं या उसमें कलर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ फॉन्ट का जो कैटेगरी है उसमें आप देख सकते हैं, ये सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके और भी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसको आप यूज़ करके अपने टेक्स्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप इस रिबन एरिया को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे साइन इन के साथ में एक छोटा सा बॉक्स है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप शो टैब्स पे क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। अब आप जो भी ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, और ऑप्शन चूज करने के बाद आप जब अपने टेक्स्ट पे जाएंगे तो ये अपने आप फिर से हाइड हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि पहले जैसे शो होने लगे, हाइड ना हो, तो आपको उस पर डबल क्लिक करना है और ये आपका शो होने लगेगा, उसके बाद ये आपका हाइड नहीं होगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर भी आप कुछ ऑप्शन देखेंगे जिन्हें हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर दोस्तों वो ऑप्शन आते हैं जिन्हें आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे कि सेव, अंडू, रिडू। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप और भी कई कमांड्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा एरो है, उस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी कमांड को आप ऐड करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर न्यू कमांड ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं न्यू पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन और आ गया, जो कि मेरा न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्किंग एरिया की। यहाँ आप व्हाइट कलर का जो पेज देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ हेलो, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये टेक्स्ट जो है यहाँ पर टाइप हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास इतना स्पेस का एक्स्ट्रा है। आप चाहते हैं कि ये स्पेस कम हो तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ व्यू टैब पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा रूलर का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऊपर एक रूलर दिखाई देगा, जिसे आप इसको एडजस्ट करके अपने इसको स्पेस को कम कर सकते हैं। अब आप कुछ भी टाइप करेंगे तो ये आपका जहाँ से आपने एरर सेट किया था वहाँ से अन लगेगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ सेट करता हूँ तो अभी यहाँ पर तो मेरे वर्ड्स हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपने इस पेज को जूम करना चाहते हैं तो आप नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर आपको प्लस और माइनस के साइन दिखाई देंगे। आप इस पर क्लिक करके अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपको रीडिंग मोड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन दिखेंगे एक, यहाँ लिखा देगा रीड मोड, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप रीड मोड में चले जाएंगे और ये आपका पेज जो है वो बड़ा हो जाएगा।
यहाँ सबके साथ में एक और ऑप्शन है प्रिंट लेआउट का, जो कि आपका डिफॉल्ट पेज जो है वो यहाँ शो करने लगेगा। दोस्तों अगर आप एमएस वर्ड का 2016 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। यहाँ आप पर आप जो भी टूल्स को सर्च करना चाहते हैं उसे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप यूज़ करना चाहते हैं फॉन्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप फॉन्ट पे फॉन्ट टाइप करेंगे, यहाँ पर आपको फॉन्ट की ऑप्शन दिखाई दे मिलेगी। तो यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, जो सा भी टूल आपको फाइंड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। ये था दोस्तों एमएस वर्ड का छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एमएस वर्ड के बारे में और बात करेंगे और सीखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें और कौन से फीचर्स हैं जैसे इसे यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।